बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से साहब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि सुबह है संडे के दिन, बच्चों के कपड़े समीर बेटे के और कबीर बेटे के लेके आए थे, तो वो शिलिंग करके घर में डालती हूँ क्योंकि वो सुंगर जाते हैं सारे। दर्जी इतनी देर शिलिंग वगैरह करके नहीं रखते, तो घर में करती हूँ। बाद में दर्जी को सुबह दे के आऊँगी क्योंकि संडे वाले दिन बच्चों की छुट्टी होती है, दर्जी आगे पीछे होते हैं, तो फिर इनका नाप देना होता है। साथ में आगे कपड़े इनके सिलाई करवाए हैं तो वो काफ़ी छोटे कर दिए उन्होंने, तो इसलिए नाप पूरा होगा तो ये साथ होंगे तो नाप वो अच्छी तरह ले लेगा। तो अभी ये बच्चे मेरे पास ही हैं कि मामा जी हमारा जो कपड़े हैं शिलिंग करके तार पे डाल दो, सुबह हम आपके साथ जाएंगे तो वो दर्जी को दे देंगे। तो इसी के साथ साथ बहन भाइयों से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। कॉटन वाला कर लेनी अगे एक दफा मैं शिलिंग करके खुद देख आई इस वास्ते फिर नाप वगैरा सही रहा इस दफा सारे कपड़े इन्होंने फिर सुंगड़ गए मैं घर ही सिलाई शिलिंग कर दी है तो सुबह फिर दर्जी दे आवांगी। ठीक है जी। कबीर बेटे ने मच्छरदानी वगैरह हर चीज़ लगा के दी है, मामा बेटिया सौ गई है तो यह सौ नहीं रहा, तो मामा जी तू हूँ काम कर लिया तो सारे कपड़े जोड़े शिलिंग करके तार से पा दे तो फिर असं सौ जाएंगे इस तरह ही है ना। तो हूँ मैं शिलिंग कर लेनी है कपड़िया मरी पा लिया जे जी बेटा जी पा लिया शिलिंग करके तार है नीचे ही है ना, इस वास्ते डबल करके ट्रिपल पाता है बाकी हम सुबह से फिर प्रेस करके दोनों बाकी प्रेस कर लेगा कि नाप दिया हम ने बाकी खले लगेगा ये सही नहीं हो गया इस तरह कमेंट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है संडे तो बच्चों को नहला लिया है, बच्चों ने तैयारी शैयारी कर ली है, नहा के अब देख रहे हैं जो टीवी, इधर टीवी चल रहा है और तो इधर मामा बेटियां मेरी सो गई, उसके सर में तेल लगा रही थी डाल रही थी यानी कि मालिश कर रही थी चंपी, तो वो सो गई है। तो ये दोनों भाई अभी टीवी देख रहे हैं। कबीर बेटा आपकी सिस्टर सो गई है, तंग ना करो उसे, ठीक है ना, मुंह से हाथ नीचे करो अपना। चलो तो अब साथ ही मैंने इनकी यूनिफॉर्म कुछ धोने वाली है, वो मशीन लगाई हुई है इधर, इसमें कपड़े कपड़े जितने थे मैंने डाल दिए, कपड़े धो रहे हैं। तो अभी काफ़ी दिल कर रहा है चाय पीने को, अब चलती हूँ किचन में चाय बना के पीती हूँ और साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरे नया चूल्हा लगाया है तो इसने क्या हालत बना दी है बर्तनों की, पता नहीं क्या गैस ठीक नहीं है या क्या नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। जो सालन भी बना के रखा हुआ है इसे साइड पर करती हूँ, जो कवर नीचे रख लेते हैं कि नीचे से बर्तन वगैरह ख़राब ना हो, इधर रख के ये सालन वाली देस की इधर रख लेती हूँ उसके ऊपर, और ये लेके आई हूँ जिससे हम दूध लेते हैं ताज़ा ये वाला, तो ये फ्रेश फ्रेश बिल्कुल ताज़ा दूध है, इसकी चाय बना के पीती हूँ और अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर ये किसी बहन भाइयों ने चाय की तलब हो, सॉरी
बहन को, भाई को, जिसको भी हो आके पी सकता है हमारे साथ, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा ही पीती हूँ कुछ। मुझे बच्चों के भी कपड़े चेंज कर लिए, नहला के मैंने खुद भी चेंज कर लिए, अब बना रही हूँ चाय। साथ साथ कबीर बेटा मेरा आया मेरे पास, मामा जी मैंने भी चाय पीनी है, तो पीनी है चाय, रहने दो। इसने थोड़ी सी चाय पीनी है, इसे भूख लग गई है। मुँह सीधा करो ना अपना, ऐसे क्यों किया हुआ है? पारी कर रहे हो? कितना पार मुझसे करते हो, अपनी मम्मा से कितना पार करते हो? नहीं बोलना, किसी को बताना नहीं है ना। चलो मैं चाय बना रही हूँ ना, फिर मैं देती हूँ ठंडी करके आपको भी। तो बहनी सो रही है ना? बहनी चलो जी, हम बेटे ने प्यार श्यार कर लिया, अब चाय बना के पीते हैं। जी चाय मेरी तैयार हो गई है, अब मैं कप में डालती हूँ और बैठ के पीती हूँ, और साथ साथ बच्चों को भी देती हूँ जिसने पीनी है। कबीर बेटा तो मेरे पास आया था, मम्मा सो रही है, समीर बेटा भी कह रहा था मम्मा जी पीनी है, तो उन दोनों को भी थोड़ी बहुत देती हूँ। वैसे तो गर्मी आ रही है, बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको ज़ुकाम बुखार बेटा से कुछ थोड़ी थोड़ी देती हूँ, क्योंकि हम सभी को ज़ुकाम बुखार हुआ है, तो ज़ुकाम अब हटने का नाम ले ही नहीं रहा, तो इसलिए कहते हैं कि चाय दो इनको, दूध कम दो, ठंडा ना दो, तो ये ज़ुकाम हट जाए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर नोज़ी वगैरह लगी हुई हो तो उनके हाथ पांव ऐसे करके जब बाजू मारते हैं तो सारे अपने बाजू और हाथ ख़राब कर लेते हैं। इसलिए जी चाय मेरी पहले मैं दूसरे बर्तन में बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा यही सारा काला हो गया, ये मांजना तो पड़ेगा ही, यानी कि धोना तो पड़ेगा, तो अभी इसमें ही बना लेती हूँ। जो चाय तैयार हो गई है वो डालती हूँ कपों में, और मैंने तो अपनी प्याली रखी हुई जी, धोनी पड़ेगी अभी, इसके ऊपर मक्खियाँ बैठी थी, तो फिर पीते हैं चाय। मैंने अपनी चाय डाली है प्याली में, बच्चों की डाली कपों में, तो क्योंकि कबीर बेटे ने मेरे पास फिर आ गया, मामा जी चाय बनी नहीं अभी, तो ये है कबीर बेटे का कप, ये है समीर बेटे का, और मेरी है प्याली। मामा बेटी अभी सो रही है, वो बाद में पिएगी। अब हम चाय पीते हैं, साथ साथ एंजॉय करते हैं, या टीवी देख रहे होंगे, मैं इधर किचन में बैठ के मैंने और काम करने हैं वो करती हूँ। जब बच्चे चाय लेके, मैंने कहा था कि टीवी के पास ही जाएंगे, जैसे समीर बेटा भी चाय लेके टीवी के पास ही जा रहा है, वीर बेटा पहले ही ले गया, तो अभी मैं पीती हूँ इधर किचन में बैठ के। तो अब मैं भी इधर से चाय उठा के इधर बैठ के चेयर पर बैठ के पी लेती हूँ। हाय, ये किचन बनाने का काफ़ी फायदा हो गया, इधर चेरे वगैरह मैंने रख ली हैं, तो काफ़ी आसानी हो गई है। ये जटा वाली प्याली तो चाय पीने पे हैं, क्योंकि प्यालियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है, कप नहीं इन्हें पसंद, तो प्याली की चाय जल्दी ठंडी भी हो जाती है, पीती भी जाती है, कप काफ़ी गर्म हो जाता है, इसलिए वैसे ताज़ी दूध की चाय काफ़ी मज़ेदार बनी। कबीर बेटा मेरे पास आ रहा है कि चाय खत्म है, क्या लेना है बेटा जी? ओ मगर नीचे पे आया था टोकरी से, टोकरी पे आया था कपड़े, अंदर पाली लिया, मैं ठंडी कर दा, मैं तेन क्या सी ना बेटा गर्म है ना लैके जा अज। जब बच्चों ने अपनी मर्जी करनी होती मैंने मना भी किया है, चाय गर्म है मैं ठंडी करके देती हूँ, कहता नहीं आपने गर्म पीनी है मामा जी, मैंने भी गर्म पीनी है, मैं गर्म ही पी लूँगा, तो अभी ये ठंडी करेगा, साथ साथ फर्श पे भी घेराएगा, और मक्खियाँ आ गई काफ़ी इकट्ठी हो रही हैं, इतनी ज़्यादा जितने भी इंसान सफाई रखे मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई मौसम चेंज होने की वजह से, अब गर्म गर्म हवा यानी कि जिसे लोग वगैरह कहते हैं वो चलेगी, तो तब जाके जब मक्खियाँ ख़त्म होंगी, तो अभी चाय मज़े ले लेके पीते रहेंगे इधर बैठ के, तो कैमरा थोड़ी देर बंद करती हूँ, फिर बाद में और भी काम भी करने हैं।
जी बेटा जी संडे वाले दिन थोड़े को भी बैठे करा बेटा थोड़ी वर्तियां धोने वाली थी इस पहले मैं धो लाना इन कपड़े निकलन के बाद फिर ही ना चाय पीनी आएगी क्या पीनी है मैं माने चाय पीनी है दूध फिर है चाय पीनी आएगी तेरे को चाय भी क्या खावा और तो तेरे कोई काम कोई नहीं है ना लेकिन चाय पीनी है लो जी फिर मैं मशीन पानी भी क्योंकि अब भी खोल दिया पानी निकल जाना है और इधर मोटर चला से कपड़े ने तार लेनी है दापड़ा सेट से करा बस हो क्या है बस हो पानी गिरना नहीं बेटा सरफा पानी में कमा चप्पल का दूं है बंद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों के कपड़े सिलाई करने के लिए देने थे वो दर्जी को दे के आई हूँ बच्चे आज संडे थे घर थे समीर और कबीर और मैं पिटका वो मेरे साथ गए थे तो नाप की ज़रूरत थी इसलिए दर्जी के पास इनका नाप खुद का चाहिए था दूसरे कपड़े काफ़ी इनको छोटे हो गए थे तो इसलिए उनको दर्जी को कपड़े दे के आए सिलाई करने के लिए तो रात को शिलिंग करके बच्चों ने कबीर बेटा ज़िद कर रहा था मामा अभी हमने पहने हैं सिलाई करने के लिए दो तो दे के आए हैं इनके पापा के पास टाइम नहीं था वो चले गए थे इसलिए मुझे जाना पड़ा आज कपड़े इनके सिलाई करवाने थे तो वो देख के आई हैं तो वीडियो के एंड में इधर ही करती हूँ जो है हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलते हैं इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।